आज पूरा जल्दी पड़े आसो संस्ट हो जाए। मसाले सारे बन गए। नहीं इसको नहीं दिखा होगा तो आज देख लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू ब्लॉग को आप सबको स्वागत है। आज की ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स, और जो भी न्यू देख रही हो मेरे वीडियो को वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स। तो फिर चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, यहाँ पे है बहुत सारे चीज़ें, यहाँ पे रख के मैं यहाँ बैठी हूँ। खाने के लिए नहीं, घर में मसाला ख़त्म हो गया है इसलिए आज बनाएंगे मसाला। और ये देखो, ये मैंने जीरा और मिर्ची की एक मिक्स बनाऊंगी मसाला। और ये है ब्लैक पेपर, इसको मैं ग्राइंड करके इसका मसाला बनाऊंगी। ये है धनिया, इसको भी मैं ग्राइंड करके इसका मसाला बनाऊंगी। और ये है दालचीनी, इसका मसाला भी मैं बनाऊंगी। तो दालचीनी जो है उसको मैं छोटा छोटा कर लूँगी पहले, उसके बाद बनाऊंगी रसोई में, उसके बाद जाऊंगी फिर बनाऊंगी। उसके पहले छोटा छोटा पीस कर लूँगी। ये मैंने छोटा छोटा पीस कर लिया, इसको मैं सिर्फ ग्राइंड कर लूँगी, उसका मसाला हो जाएगी तैयार। तो फिर मैं ग्राइंड करके ले आती हूँ। ये देखो मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ, पूरा पाउडर हो चुका है ये पूरा, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो मेरा दालचीनी पाउडर हो गया है रेडी। चलो अब मैं ये ब्लैक पेपर को पाउडर करके ले आती हूँ। ये ब्लैक पेपर पाउडर मेरा हो जाएगी रेडी। अब देखो कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, इसको इसमें मैं डाल देती हूँ और थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा ही भूनूंगी। ये देखो उसका कलर आ रहा है, देखो थोड़ा सा सिर्फ गर्म हो भी गया है, हाथ से टच हो रहा है। देखो ये गर्म हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखो ये मैंने निकाल लिया, इसको पहले ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी पाउडर बनाएंगे। ये धनिया हमारा ठंडा हो गया, भुना हुआ धनिया ये हमारा ठंडा हो गया, इसको हम मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये है धनिया पाउडर, मैं धनिया ग्राइंड करके ले आई हूँ, इसकी पाउडर ऐसा बना है, इसको निकल देंगे। ये देखो पाउडर बन गया है मेरी धनिया पाउडर। अब ये जीरा पाउडर बनाएंगे, ये 100 ग्राम जीरा, और मैंने ली है मिर्ची 50 ग्राम, और इसको भी थोड़ा सा भून के इसकी पाउडर बनाएंगे, थोड़ा सा ही भुनेंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। मेरी कढ़ाई गर्म है अभी, इसमें मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, इसको ही थोड़ा सा भून लेंगे, बस थोड़ा सा ही, गरम होने तक तो ही भुनेंगे, अभी तो गरम नहीं हुआ है। ये देखो ये पूरा गरम हो गया है, इसको हम अभी निकाल लेते हैं। ये देखो मैंने निकाल लिया, ये गरम है थोड़ा, इसको हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद ये मिर्ची गरम करेंगे थोड़ा सा। ये देखो ये मिर्ची मैंने गरम कर ली, उसके बाद इसको निकाल लेंगे, इसको भी हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये भुना हुआ मिर्ची और ये है भुना हुआ जीरा, इन को हम इकट्ठा करके मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेते हैं। ये है जीरा, इसको मैं ग्राइंड करके ले आती हूँ। ये देखो मैं ग्राइंड करके ले आई हूँ भुना हुआ जीरा और भुना हुआ मिर्च की पाउडर, इसको हम निकाल देते हैं। ये देखो मेरा जीरा और मिर्ची का पाउडर हो गया है रेडी। और ये है ब्लैक पेपर की पाउडर, ये है दालचीनी पाउडर और ये है धनिया पाउडर,
ये सब पाउडर मैं घर में ही बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे सारी पाउडर की जरूरत होती है तो घर में ही बना के रखती हूँ। सारी पाउडर खत्म हो गई थी तो बनाऊंगी डेली बोल बोल के नहीं बना पा रही थी। आज फाइनली मैंने पाउडर बना लिया। तो मुझे ये जो डालमा पाउडर है ना, इसको मैं दाल और मिक्स वेज जब बनाती हूँ उसमें डालती हूँ, और सब्जियाँ वगैरह में भी कभी कभी डालती हूँ, और भाजी में भी कभी कभी डालती हूँ ऐसे। और ये स्पेशल है डालमा मसाला उड़िया की। और ये है ब्लैक पेपर की पाउडर, इसको मैं सैंडविच वगैरह और जो कुछ बच्चों अंडा ब्रेड अंडा पराठा ये सब खाते रहते हैं तो उसमें भी ये डालती रहती हूँ, और चाय में भी ये डालती हूँ, ये ब्लैक पेपर की पाउडर। और ये है दालचीनी पाउडर, इसको स्पेशल मैं बनाती हूँ क्योंकि ये इसको मैं खाने में डालने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, चिकन में मटन में और सब्जियाँ में भी कभी कभी डालती हूँ, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये है धनिया पाउडर, इसको मैं सब्जी में ही सिर्फ डालती हूँ। तो चलो फ्रेंड, मेरे मसाले सारे बन गए, अभी बज रहा है 12, मैं जाऊंगी छोटी बेटी को लाने, बारी बारी करके दो बच्चों को लाऊंगी। आज तो दोनों स्कूल गए हैं और हस्बैंड भी खा के ऑफिस चले गए हैं, वो भी और मैं भी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। तो अभी जाऊंगी सिर्फ छोटी बेटी को लाऊंगी, उसके बाद बड़ी बेटी को लाऊंगी, उसके बाद सिर्फ आज चावल ही बनाई हूँ और सब्जियाँ वगैरह नहीं काटी हूँ मैंने, उसको तैयार करूँगी। फिर कपड़े भी रखी हूँ मैंने, सुखाई भी नहीं हूँ, आज तो धूप है, आज बारिश वारिश कुछ नहीं है, आज धूप ही है। तो कपड़ा जाके सुखाऊंगी अभी, उसके बाद छोटी बेटी को लाने जाऊंगी। तो फ्रेंड वीडियो को कंटिन्यू करो। फ्रेंड्स मैं अभी छोटी बच्ची को लेके आ गई हूँ, देखो ये आके सो गई है मेरे ऊपर, बदमाश बच्ची बदमाशी कर रही है। फ्रेंड चलो नहाने चलते हैं, खाना कुछ नहीं बना है अभी तक, चावल ही बना है, क्या बनाऊंगी अभी बनाऊंगी। चलो कपड़ा भी नहीं सूखा है अभी तक। अरे हाँ, मैं तो ऊपर उठ छाड़ मैं उठे सती गोड़ी वो कम है उठ, पानी तो ते गिलास आने की देवी देलू पानी पीबू वो पानी पिएगी, मैं भी पानी पीऊंगी। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा धूप है। हाँ अभी धूप नहीं आ रहा, अभी आ गया, मैं जाऊंगी धूप में खेलने। चलो फ्रेंड मैं खाना बनाती हूँ अभी, ये तो ना आएगी पानी मु देई थली टेबल रे, ताकु नेलु दे से पानी टेबल दे थली से नेलन। बहुत धूप है, दो बच्चों को लेके आ गई स्कूल से, यहाँ पे बैठी हूँ एसी रूम में थोड़ा मजाड़ा दिलू देना। किए कौन खाए दिला आज पूरा जल्दी पड़े आछु, ये कौन खाई देला कौन रखे को खाई देला अता कोउ तो खाई देलु नी कौन कोइला कौन आंचू ढेर सारा प्यार आंची छे आ जाओ कौन आनिया कोइतिलु की आ जाओ एई कौन आनिया को कोइतिलु मते तंटी कौन होला रे मामा समाज जडा पीगी मामा मामा डाकुछ ताकु टीवी बंद कर टीवी कहीं बंद हो मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, उनका इंतजार है, वो आएंगे तो हम लॉन्च करेंगे। बड़ी बड़ी तो लॉन्च नहीं करने वाली है बोल रही है। चलो ठीक मिलो नहीं क्या अरे सेटा सर जाई थी जदी के सर देला पापा जी सर दे सर जाई थी जदी देखिलो सर देलु के चेपडा मुडा आई चेपडा क्या
यार आने थे लासे तो अब तो जाम छार मुते सोल सोल डाकू जो थी सोल अरे कौन है माँ चिल्लानी माँ कौन है टेन बड़ी बेटी की ट्यूशन थी बड़ी बेटी को ट्यूशन से लेके आ गई अभी बज रहा है 8:30 देखो ये है मेरी छोटी बेटी आपने इसको नहीं दिखा होगा तो आज देख लीजिए ये है मेरी छोटी सी गुड़िया इसको देख लीजिए नहीं दिखा होगा तो कभी आज देख लीजिए उसे अभी खा रही हूँ ये मत खाओ क्या कर रही हूँ मैं दीदी के डब्बे में दीदी के डब्बे क्यों निकल रही हो उसकी चॉकलेट उसने रखा है वहाँ पे क्यों निकल रही हो मार डालेगी तुझे मार डालेगी तुझे मत देखो उसे आगे आ रही देखो तो फ्रेंड आज की वीडियो को यही एंड करते हैं फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स और जो भी न्यू मेरे वीडियो को देख रहे हो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स बाय बाय